कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की रात जूनियर महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोलकाता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ यानी आईएमए, हमाए आजमगढ़, नीमा आजमगढ़ और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आदि ने शनिवार 17 अगस्त 2024 प्रातः 6 बजे से और रविवार 18 अगस्त 2024 प्रातः 6 बजे तक 24 घंटे के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी हर तरीके की चिकित्सा सेवा को बंद रखने का आह्वान किया है। शुक्रवार को आईएमए आजमगढ़ के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आईएमए, हमाए, नीमा और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ये जानकारी दी। पदाधिकारियों ने कहा कि हम 24 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान गैर आपातकालीन चिकित्सा, चाहे ओपीडी हो या कोई सर्जरी, नहीं की जाएगी। पदाधिकारियों ने कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद की गई हत्या की घटना की निंदा करते हुए कहा कि एक महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर हुई दरिंदगी और हैवानियत की घटना घोर निंदनीय है। मांग किया कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और अधिकतम सजा दिलाने के लिए उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सभी प्रकार के अत्याचारों से बचाने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए। सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। भारत में कहीं भी काम करने वाले मेडिकल छात्रों और सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित सख्त नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को सशक्त बनाया जाए। प्रेस वार्ता के दौरान आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर सी के त्यागी, सचिव डॉक्टर नंदलाल यादव, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद खालिद, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अलाउद्दीन, कोषाध्यक्ष डॉक्टर फुरकान अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर विनय प्रकाश, डॉक्टर रत्नाकर, डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर स्वस्ति सिंह, डॉक्टर अर्चना मैसी, डॉक्टर विपिन यादव, हमाए आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश दुबे, डॉक्टर रणवीर सिंह, डॉक्टर भक्त वत्सल, डॉक्टर नेहा दुबे, डॉक्टर अनुतोष वत्सल, डॉक्टर अभिषेक राय, नीमा आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर अजीज और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुझे अपना नाम भी बताना पड़ेगा? नहीं। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल लेवल पे कलकत्ता में हुई डॉक्टर की बर्बर हत्या और रेप के कारण जो स्थिति बनी हुई है आज की तारीख में, उसके खिलाफ हम पूरे देश में आईएमए जो है प्रोटेस्ट कर रही है और हम लोगों की कुछ मांगे हैं। उन मांगों पे हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार ध्यान दे और जो भी दोषी हैं, कल्प्रिट्स हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे हम लोगों को अपनी सुरक्षा के बारे में कुछ उम्मीद बढ़े। अभी तक कोई सुरक्षा की उम्मीद हम लोगों को नहीं है। जिन परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं, वो परिस्थिति हम लोग अच्छी नहीं है और ये सुरक्षा का मैटर सबसे ऊपर है, जिसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो सर, कल आप लोग हड़ताल पर रहेंगे शनिवार को? हाँ, बता रहा हूँ। आईएमए, नेशनल आईएमए के आह्वान पे कल 17 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके 24 अगले 24 घंटे तक सारी ओपीडीज बंद रहेंगी। एमरजेंसीज हम लोग देखेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाई थी और इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ नीमा, होम्योपैथिक एसोसिएशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, सब लोग हमारे साथ खड़ी हुई हैं और वो हमारा साथ दे रही। सरकारी डॉक्टर भी हड़ताल पर नहीं काम कर? सरकारी डॉक्टर्स का जो मुझे पता चला है, वो काम करेंगे ब्लैक बैंडेज बांध के हाथ में, वो हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। सर, घटना 9 तारीख की है लेकिन आज 16 तारीख, एक हफ्ते बाद ये आईएमए ने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया कि पूरे देश में आक्रोश है, हर राज्य में हो रहा है? पूरे देश में 9 तारीख से ही आक्रोश है, लेकिन पहले स्टेट लेवल पे देखा जाता है। बंगाल आईएमए अपना काम कर रही थी, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे और हमारी नेशनल आईएमए की टीम वहाँ पे मौजूद थी। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल सेक्रेटरी, 3-4 लोग और थे, तो वो सब लोग वहाँ पे मौजूद थे वहीं पे। लेकिन जब लोकल लेवल पे ये बात नहीं संभाली गई, उससे निराश होके अब हम लोगों ने इसको नेशनल लेवल पे स्प्रेड करने का काम किया है। ठीक है।